नमस्ते दोस्तों, एंड्रॉयड के लेआउट ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिलेटिव लेआउट के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव लेआउट एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही यूजफुल लेआउट है हमारे किसी भी एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए। ये लेआउट हमें तब यूज करना चाहिए जब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी कंपोनेंट्स को किसी दूसरे कंपोनेंट के रिलेटिवली, रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल हिंदी में आप बोल सकते हैं सापेक्ष, अगर आपको रखना है तो आप रिलेटिव लेआउट यूज करिए। अगर आप यहां से इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहां पे देखें तो यहां पे देखिए उन्होंने बिल्कुल बताया हुआ है कि रिलेटिव लेआउट इज अ ग्रुप दैट डिस्प्ले अ डिस्प्लेस चाइल्ड व्यू इन अ रिलेटिव पोजिशन। द पोजिशन ऑफ ईच व्यू कैन बी स्पेसिफाइड एज अ रिलेटिव टू द सबलिंग सिबलिंग एलिमेंट्स सच एज लेफ्ट ऑफ बिलो और अनदर व्यू। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक सपोज करिए मेरे पास कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के रिलेटिवली रिस्पेक्टिवली मुझे दूसरे कंपोनेंट को उसके टॉप पे रखना है, उसके बॉटम पे रखना है, उसके लेफ्ट या उसके राइट हमें अरेंज करना है, तो उस केस में हम रिलेटिव लेआउट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेआउट का हम प्रैक्टिस करते हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन सीखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से सिंपली अपने एग्जाम्पल के अंदर जाएंगे और यहां पे एक लेआउट का एक एग्जाम्पल बना लेंगे। लेआउट पे क्लिक करते हैं और यहां से न्यू क्लिक कर लेते हैं और न्यू क्लिक करके यहां से लेआउट रिसोर्स फाइल में जाते हैं। लेआउट रिसोर्स फाइल में जाने के बाद यहां पे हम लेआउट यहां पे ले लेते हैं रिलेटिव लेआउट, RELATIVE रिलेटिव अंडरस्कोर लेआउट। ठीक है, और यहां पे इसका जो रूट एलिमेंट होगा वो लेंगे हम रिलेटिव लेआउट। ठीक है, यहां से रिलेटिव लेआउट लेके ओके कर देंगे। ठीक है, इसे एंटर करके यहां से जैसे हम ओके करेंगे यहां पे हमारा ये एग्जाम्पल बन के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, यहां पे जो हमने लीनियर को लीनियर वाले लेआउट के एग्जाम्पल को यहां से अटैच करा हुआ था, अब यहां से हम कंट्रोल स्पेस करके यहां से रिलेटिव लेआउट को एंटर करा लेंगे। ठीक है, अब यहां से जैसे ही एंटर हो जाएगा इसके जस्ट बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने रिलेटिव लेआउट वाले एग्जाम्पल के अंदर जाएंगे, यहाँ से देखिए इसे कंट्रोल स्पेस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से रिलेटिव लेआउट वाले एग्जाम्पल में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरीके हैं कि हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में हम दो तरह से कोडिंग कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि भाई हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका UI डिजाइन कर लें रिलेटिव लेआउट के थ्रू, और एक कोडिंग से करेंगे। तो मैं फिलहाल अभी दोस्तों यहां से कोडिंग पे जा रहा हूँ, टेक्स्ट में जाऊंगा और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो प्रीव्यू है ये भी आपको साथ में दिखाता रहूंगा और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ से बाई डिफॉल्ट रिलेटिव लेआउट लिया हुआ है और यहाँ से इसका विड्थ है मैच पैरेंट, हाइट है मैच पैरेंट। यहाँ से कोई ओरिएंटेशन जैसे हमारा लीनियर लेआउट में होता था वैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले मैं आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका प्रीव्यू भी साथ में दिखाता रहूंगा। सेम लॉगिन या रजिस्ट्रेशन या किसी भी टाइप का अगर आपको पेज डिजाइन करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लॉगिन के लिए टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना, सिंपल सा एक एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ से एक एडिट टेक्स्ट ले लिया। ये जो एडिट टेक्स्ट है इसकी विड्थ जो है वो हम कर लेते हैं मैच पैरेंट और इसकी हाइट लेते हैं रैप कंटेंट। और उसके बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट का यहाँ पे हिंट प्रॉपर्टी के थ्रू इसका नाम ले लेते हैं इंटर नेम। ठीक है, ये हमारा एक एडिट टेक्स्ट आ गया। अब ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट के जस्ट नीचे ये एडिट टेक्स्ट का हमारा नाम हो गया। इसके जस्ट बाद यहाँ से हम एडिट टेक्स्ट का आईडी जरूर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव लेआउट में आईडी का बहुत इंपॉर्टेंस है। से हमने ले लिया ED1। ठीक है ना, पहले टेक्स्ट का एडिट टेक्स्ट का ये आईडी हो गया। अब ये जो एडिट टेक्स्ट हमारा यहाँ पे बन के आया है, इस एडिट टेक्स्ट के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे अगर आपको कोई इमेज वगैरह लगानी है तो वो भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ड्रॉएबल। ठीक है ना, तो यहाँ से ड्रॉएबल आपको कहाँ चाहिए, मुझे राइट में चाहिए तो ड्रॉएबल राइट साइड में मैं यहाँ से MIP मैप का IC जो लॉन्चर है वो लगा दे रहा हूँ। तो ये इस एडिट टेक्स्ट के साथ ये जो हमारा IC लॉन्चर है वो आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं लगाना है तो यहाँ से आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं एट द रेट यहाँ से एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ तो एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे ड्रॉएबल्स पड़े हुए हैं और वहाँ से हम उसके ड्रॉएबल से हम कोई भी चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी एक आइकन यहाँ से अकॉर्डिंगली हम लगा सकते हैं। तो उसे हमने यहाँ से ले लिया, इस ले लेते हैं।
से हमने ये वाला साइन ले लिया, ठीक है ना, बटन माइनस का साइन ले लिया। तो जब आप यहाँ पे इंटर नेम वाले टेस्ट के सामने देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये वाला साइन मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई आइकन अपना खुद का है तो वो आइकन आप अपने एप्लीकेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, आप अपने ड्राइवल फोल्डर में रख के उसे यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे दूसरा एडिट टेक्स्ट लेना है, तो जैसे दूसरा एडिट टेक्स्ट मैं यहाँ पे लूंगा, ये दूसरा एडिट टेक्स्ट इसी को मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके इस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब ये एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है ये मैं ले लेता हूँ 2। अब देखिए रिलेटिव लेआउट में क्या क्वालिटी है कि जैसे ये वाला जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट यहाँ पे है, अब इसी के जस्ट नीचे हमें यहाँ पे चाहिए, तो रिलेटिव लेआउट के अंदर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है बिलो प्रॉपर्टी, लेआउट बिलो, और यहाँ से आईडी हम दे देंगे अपना पहला वाला जो हमारा आईडी है ED1 वो दे देंगे। तो जैसे हमने यहाँ से ED1 ले लिया, ये दूसरा लेआउट जो है इसके जस्ट बिलो आ गया। अब यहाँ से हम इसका मार्जिन ले लेते हैं, से हमने यहाँ से मार्जिन टॉप ले लिया 20 dp का, तो ये पहले वाले अपनी जो नेम था यहाँ इंटर नेम लिखा था उसके जस्ट नीचे, यहाँ से हमने यहाँ ले लिया इंटर पास, तो यहाँ पे उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इसके बीच में ये मार्जिन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज किया हूँ बिलो, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे किसी कंपोनेंट के बिलो आपको अगर चीज़ें लेके जानी है, अगर यहाँ से आपको बिलो के जगह पे लेफ्ट यूज करना है, ठीक है, यहाँ से देखिए लेफ्ट यूज करना है, राइट यूज करना है, ठीक है, बिलो लेफ्ट राइट, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ से यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हैं। टॉप अगर किसी कंपोनेंट के दूसरे, है ना, देखिए यहाँ से टू एंड ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ, टू राइट ऑफ, है ना, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये फैसिलिटी केवल और केवल रिलेटिव लेआउट में मिलती है कि आप एक कंपोनेंट के रिलेटिवली दूसरे कंपोनेंट को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे हमें बटन चाहिए, तो यहाँ से हमने ले लिया बटन, बटन की विड्थ और हाइट मैंने रैप कंटेंट ले लिया। अब ये बटन जो है ये बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ से टॉप पे, है ना, 0 0 कोऑर्डिनेट पे दिख रहा होगा, और इस बटन को अगर हमें बिलो करना है तो यहाँ से हम बिलो कर देते हैं आईडी और यहाँ देते हैं ED2, ED2 यानी एडिट टेक्स्ट के, एडिट टेक्स्ट 2 के जस्ट नीचे मैंने इसको ले लिया, और यहाँ से इसकी मार्जिन टॉप स्पेसिफाई कर देते हैं 10 dp का, और उसके बाद हम चाहें तो यहाँ से बिलो प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ से, नहीं बिलो तो हमने यहाँ लगा दिया है, वेरी सॉरी, अब हम यहाँ से टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके से हमने इसका नाम ले लिया लॉगिन, ठीक है। अब ये जो हमने लॉगिन लिख दिया यहाँ पे से हमने लॉगिन लिख दिया LOGIN, ठीक है। अब यहाँ से ये जो लॉगिन हमने बटन बना लिया है, इस बटन के ऊपर अगर आपको इसकी स्टाइलिंग करनी, जैसे इसका कलर देना है, इसका जो कुछ भी देना है, आप वहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइलिंग, टेक्स्ट कलर वगैरह वगैरह सब यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से ले लीजिए टेस्ट का स्टाइल है, यहाँ से लिख दीजिए बोल्ड, तो इसके जो बटन में लॉगिन लिखा हुआ है ये बोल्ड हो गया। ऐसे ही हमारे पास होता है टेस्ट का साइज, तो अगर टेस्ट की साइज आपको देनी है 10 dp, तो मैंने इसकी टेस्ट की साइज दे दिया 10 dp, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और मैं बड़ा दे देता हूँ, इसके मैंने दे दिया 20 dp, ठीक है। देखिए आपको लॉगिन बहुत थोड़ा सा एकदम उभरा सा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब मुझे दूसरा इसकी आईडी देते हैं, आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इसकी आईडी मैंने दे दिया लॉगिन, तो अब मुझे दूसरा वाला जो कंपोनेंट डिजाइन करना होगा, दूसरा वाला बटन, तो मैं सेम कोड यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से ये जो हमने लिखा था ना, ये ऊपर यहाँ से बिलो लिखा था, बिलो टू दिस आईडी, अब हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से राइट ऑफ वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, राइट ऑफ, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे RIGST, ठीक है, टू राइट ऑफ, यहाँ से लिख देंगे लॉगिन, ठीक है, तो लॉगिन टू राइट ऑफ लॉगिन, लॉगिन के बिल्कुल राइट ऑफ चला जाएगा, और इसका जो यहाँ पे नाम आईडी है वो मैं देता हूँ, से हमने ले लिया रजिस्टर REGISTER, ठीक है, यहाँ से रजिस्टर ले लिया, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर वाला बटन है आप देखेंगे रजिस्टर वाला बटन यहाँ से, अच्छा लॉगिन ही लिखा आ रहा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे रजिस्टर नहीं लिखा REGISTER, ठीक है, रजिस्टर लिख दिया। तो यहाँ से देख सकते हैं आप दोस्तों कि हमने ये जो मार्जिन यहाँ पे लिया हुआ है, ये मार्जिन थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 160 कर देता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल लॉगिन के जस्ट सामने आ गया। और यहाँ से जब हम मार्जिन मार्जिन ले कर देंगे यहाँ से लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट यहाँ से 10 dp देता हूँ, तो लेफ्ट से थोड़ा सा यहाँ पे ये दूर हो जाएगा, 20 कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बन के आ गई हैं, अब लॉगिन और रजिस्टर बन के आ गया है। अब देखिए लॉगिन और रजिस्टर पूरा ये कैप्स ऑन है, तो अगर आप यहाँ पे इसकी एक टेस्ट प्रॉपर्टी होती है या ऑल कैप्स यहाँ से होता है, कैप्स करके होता है कुछ, हाँ यहाँ से होता है, यहाँ हाँ कैपिटल साइज नहीं, ऑल कैप्स करके होता है, तो यहाँ से आप ऑल टेक्स्ट ऑल कैप्स यहाँ से फॉल्स कर देंगे, तो जैसे आपने लिखा हुआ वैसे दिखेगा, ये पूरा कैपिटल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे रजिस्टर वाले पे भी लगा देंगे, तो जैसे आपने लिखा है पूरा कैपिटल में नहीं दिख रहा है,
तो आप ये देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट के जस्ट रिलेटिवली रिस्पेक्टिवली अगर आपको दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे लेना है तो उस केस में आप रिलेटिव लेआउट यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये देख रहे हो कि इसके रिलेटिवली, अब यहाँ पे देख लेके जाओगे तो एरो भी दिखा रहा है ये इसके एरो, इसके रिलेटिवली ये चीज़ यहाँ पे है। तो रिलेटिव लेआउट हमें एप्लीकेशन में तब यूज करना चाहिए जब हम एप्लीकेशन में किसी भी व्यू में एक कंपोनेंट के रिस्पेक्टिवली रिलेटिवली दूसरा कंपोनेंट हम यूज करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता देता हूँ कि चाहे तो अगर आपने यहाँ से रिलेटिव लेआउट तो यूज करा है, बट अगर आप चाहें यहाँ से नीचे लीनियर लेआउट यूज करना तो इसी के जस्ट नीचे यूज कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ से लीनियर लेआउट ले लीजिए, ठीक है, और इसका विड्थ हाइट रैप कंटेंट कर लीजिए, और यहाँ से इसका ओरिएंटेशन आपको देनी जरूरत है, इसका बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होगा वो वर्टिकल ये लेके चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसके अंदर इस रिलेटिव लेआउट के अंदर, सॉरी लीनियर लेआउट, इनकी आपने एक रिलेटिव लेआउट के अंदर एक लीनियर लेआउट ले लिया। अब इसके जस्ट नीचे मुझे दो और बटन चाहिए थे, हमने यही वाले जो दोनों बटन हैं, ये ऊपर वाले जो दोनों बटन हैं, ये दोनों बटन यहाँ से हम इसे कॉपी कर सकते हैं और उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने डाला तो यहाँ पे एक देखिए एक एरर आ गया कि यहाँ पे ये एक तो एरर ये है कि ये जो लॉगिन आपने ले रखा है इसको हम मान लो सेव ले लेते हैं, सेव ले लेते हैं इसकी आईडी, और यहाँ पे ले लेते हैं अपडेट, ठीक है अपडेट। तो इसका जो नाम है ये भी हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हम सेव और अपडेट यहाँ से सेव नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे सेव और ये लिया है, ये जो रिलेटिव लेआउट है यहाँ पे ये सेव और अपडेट वाला यहाँ सबसे टॉप पे लेके जा रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, ये जो आपने यहाँ पे ये ले रखा है, जैसे ये बिलो वाली प्रॉपर्टी जो ले रखी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं चलेगी, ये बिलो प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, ठीक है, ये हमारा रिलेटिव लेआउट के अंदर ही चलता है। तो ये जो आपने टू टू राइट ऑफ भी ले रखा है यहाँ से, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, एक एक के बाद दूसरा कंपोनेंट ऐसे अपने आप लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि इसके बाद ये जाए, इसके बाद ये जाए, ऐसा कुछ भी आप देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिलेटिव लेआउट है ये हमारा आ गया है, बट इस रिलेटिव लेआउट का हम अगर यहाँ से मार्जिन ले लेते हैं, यहाँ से हमने मार्जिन ले लिया, मार्जिन टॉप ले लिया और यहाँ पे ले लिया 200 dp, तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी हाइट है, ये रैप कंटेंट लिया हुआ है ना, इसकी हाइट भी हम अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, से हमने ले लिया 50 dp, ठीक है। तो ये 50 dp एकदम छोटा सा हो गया, और ये जो विड्थ है ये हम यहाँ से ले सकते हैं मैच पैरेंट, तो ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक दिख गया। तो आप ये चीज़ देख रहे होगे कि सेव वाला बटन तो दिख रहा है लेकिन इसके जस्ट आगे जो अपडेट वाला बटन था वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अपडेट वाला बटन यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है कि ओरिएंटेशन तो हमने दे रखा है, लेकिन ओरिएंटेशन हमने दे रखा वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जब ले लेंगे तो इसके जस्ट एक कंपोनेंट के आगे दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे दिख जाना चाहिए, सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये मार्जिन टॉप लिया हुआ है ना, ये मार्जिन टॉप की वजह से ये इतना दूर भाग जा रहा है ना, ये नीचे आ जा रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसे हम हटा सकते हैं। तो इसे जैसे आप हटाएंगे तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली इसके दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अच्छा ये मार्जिन हम टॉप से थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं ताकि जो जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ले रखा था, क्योंकि मार्जिन टॉप यहाँ रहने देते हैं, लेकिन ये मार्जिन टॉप जो है ये थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ से ये 16060 की जगह पे 10 dp जो ये सेव वाले बटन के साथ था वही इसके बटन के साथ भी लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हम चाहें कि रिलेटिव लेआउट के अंदर यहाँ पे अगर लीनियर लेआउट यूज करना है, यानी एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट यूज करना, तो वो भी कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को यहाँ से आप चला के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, और एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद यहाँ पे इंटर नेम आ गया। अब नेम के सामने जैसे यहाँ पे मैं नेम एंटर करूँगा, जैसे से हमने यहाँ पे कुछ नेम एंटर कर दिया, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्रॉएबल का साइन भी बना गया, थोड़ा साइन बड़ा है, ये ड्रॉएबल बड़ा है, पिक्चर बड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से ले सकते हैं। और ये देखिए सेव और अपडेट भी यहाँ पे बन के आ गया, बट यहाँ थोड़ा सा सेव अपडेट जो है ये कटा हुआ है। तो सेव अपडेट इसलिए कटा हुआ है क्योंकि यहाँ से इसकी जो हमने ये ऊपर हमने जो लिख रखा है इसका हाइट, जो लेआउट का हमने हाइट ले रखा है, ये हाइट हम थोड़ा सा और यहाँ से बढ़ा सकते हैं। से हमने यहाँ से ले लिया 60 dp या 70 dp, ठीक है। तो इसकी हाइट जो कि छोटी थी इसलिए वो थोड़ा सा हमें कटा यहाँ से दिख रहा है। एप्लीकेशन को यहाँ से दोबारा अगर बिल्ड करके यहाँ से दोबारा लॉन्च करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको अभी दिख जाएगा बिल्कुल, देखिए सेव और अपडेट एकदम क्लियर आपको दिख जाएगा। और एप्लीकेशन में यहाँ से देखिए आपकी ये जो ऊपर एडिट टेक्स्ट है, और यहाँ से इंटर नेम, इंटर पास, लॉग इन, रजिस्टर, सेव अपडेट,
ये बिल्कुल एकदम एक कंपोनेंट के रिस्पेक्टिवली दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आप रख पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को खास करके आप जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू गाइज।